हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, फाइनली जो वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे, कौन सा वाला कि सर कल के दिन बजट है एंड बजट के चलते कौन से शेयर्स है, कौन से स्टॉक्स है जो कि सबसे ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रह सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड डिस्क्लेमर लेकर ही चलना, ये मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है, काफ़ी लोग कहते भी है कमेंट सेक्शन में सर इतना रिपीट मत करो। बट अभी फिलहाल भाई बाजार में रिटेल छोटे बिगनर्स लेवल के जो रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिले वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो सारी चीज़ें उनको ये भूलनी पड़ती है, वो पढ़ते नहीं है नॉर्मली। डिस्क्लेमर तो अगेन कहना चाहूँगा भाई, जो भी स्टॉक आपको मैं बताऊँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए सारी चीज़ों को मैं कवर करवाता हूँ। आपको खुद से सीखना है ना मार्केट, तो आप इस चैनल को देख सकते हो, ठीक है, वरना आप चाहो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पे बताई है कि कल के दिन हुडको ये स्टॉक फोकस में रह सकता है, उसी के साथ साथ इरेडा, ये दोनों स्टॉक एक साथ फोकस में रहेंगे। कब रहेंगे और एक साथ क्यों, उनका बिजनेस तो भाई कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है। इरेडा की अगर बात करें भाई, वो तो अलग ही फाइनेंस का बिजनेस है, एंड इससे रिलेटेड हुडको की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब हाउसिंग से रिलेटेड इनका हम लोगों को, मतलब ये भी फाइनेंस करते हैं बट हाउसिंग को, घर लेने से रिलेटेड फाइनेंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फाइनेंस होते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स क्यों फोकस में रहेंगे, तो दोस्तों इसके पीछे का यहाँ पे रीज़न है सेक्शन 54EC। यस, बताया जा रहा है कि शायद से बजट में क्या हो सकता है, इनको सेक्शन 54EC के चलते, मतलब उस सेक्शन में यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। एंड अगर एंट्री अगर इनको मिल गई तो क्या हो जाएगा, इनको सस्ते फंड्स यहाँ पे ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते जो कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे ऑफर यहाँ पे किया जाता है, अगर इनके अगर कोई भी बॉन्ड अगर खरीदेगा, ठीक है, तो सामने वाले को एग्जेम्पशन मिल गया और इनको तो सस्ते दाम में यहाँ पे फंड्स मिल गए, तो दोनों का बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। REC PFC की बात करें तो ऑलरेडी वो सेक्शन 54EC में अवेलेबल है, उनके बॉन्ड्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बस हुडको और इरेडा ये दो कंपनीज हम लोग को अभी भी उस सेक्शन में इंक्लूड होना यहाँ पे बाकी है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिलहाल का जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की डिमांड है, जिस प्रकार से सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इरेडा हुडको को शायद से इस वक्त के बजट में हम लोगों को सेक्शन 54EC में जगह मिलते हुए देखने को मिल सकती है। अगर नहीं मिली तो सर कल के दिन पूरा बजट हो गया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट, क्या पता गिरावट भी हो जाए, क्योंकि देखिए बाजार में यही तो खेल होता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही दाव लगाया जाता है। अगर मिल गया तो तेज़ी भी यहाँ पे आ सकती है, इनफैक्ट ऑलरेडी हम लोग को तेज़ी भी देखने को मिली थी। अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो ये देख लो दोस्तों, 26 जून की अगर हम लोग बात करें, 26 जून को हुडको इरेडा का स्टॉक ऑलमोस्ट 8% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। क्यों देखने को मिला था, यही खबर सामने आ गई रिपोर्ट के जरिए, ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, वो तो कल ही पता चलेगा कि ये खबर सच है कि झूठे करके, कि ये 26 जून को 8% भागे थे दोनों स्टॉक, बिकॉज यही बातें सामने आ गई कि भाई सेक्शन 54EC में इनको जगह मिल सकती है करके, इनके बॉन्ड्स आ सकते हैं करके। देख लेते हैं अभी क्या होता है, सच झूठ वो तो हमें तो पता नहीं है, वो तो कल निर्मला सीतारामन जी हमें बता देंगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, रेलवे स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे भाई, ठीक है, काफ़ी उम्मीदें रहती है। इनको कितना एलोकेशन मिलता है रेल बजट से रिलेटेड, क्या अनाउंसमेंट होता है, ये देखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। ज़्यादा बजट इनको यहाँ पे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिकली स्टॉक से रिलेटेड बातें होंगी करके कि ये स्टॉक को इतना, वो कंपनी को इतना, नहीं, ओवरऑल क्या बातें यहाँ पे की जाती है, ठीक है, बजट कितना होगा, क्या उसमें कोई इजाफा होगा, वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। अगर इजाफा होता है तो भाई बाजार थम्स अप दे सकता है, इसके पहले भी इसी चीज़ के चलते बाजार मान कर चल रहा था कि यहाँ पे अच्छा खासा इनको यहाँ पे बजट का एलोकेशन होगा करके, तो ये सारे इफ बट के ऊपर कल फुल स्टॉप लगते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर ज़्यादा एलोकेशन तो भाई सेक्टर खुशी यहाँ पे मना सकता है, अगर नई एलोकेशन मतलब कम अगर एलोकेशन हो जाता है या फिर ज़्यादा ग्रोथ अगर नहीं होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी हाथ यहाँ पे लग सकती है। तो इफ बट का खेल है, ठीक है, कल देख लेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर ये भी डेफिनेटली फोकस में रहेगा, जिस प्रकार की रिपोर्ट के जरिए खबरें आई है कि डिफेंस बजट में और इजाफा करने की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अभी ये तो कल के दिन ही पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके, अगर ऐसा हुआ तो डिफेंस से रिलेटेड काम करने वाले जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी है, सरकारी प्राइवेट, सारे के सारे, ठीक है, अच्छे खासे हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सेम एकदम कॉमन सेंस वाली बात, अगर बजट यहाँ पे बढ़ जाता है प्रीवियस बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में भी हम लोग को एक अच्छा पैटर्न देखने को आप मिल सकता है, मार्केट शायद से इस सेक्टर को लेकर थम्स अप दे सकता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बजट सिर्फ बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो बढ़त होगी वो एक रीजनेबल बढ़त होनी चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि 100 के बदले हम सिर्फ आपको एक बढ़ा कर दे रहे करके, उससे क्या होगा भाई, कुछ तो डिसेंट तो बढ़ा कर दे दो, तो ये अलोकेशन कितना मिलता है, परसेंटेज कितना,
वो मैटर करता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी यहाँ पे बताया था, इंफ्रा से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपको बताया था, इंफ्रा मतलब कैपेक्स की बात करें तो 37% तक कैपेक्स मारा था सरकार ने, क्या कमाल का कैपेक्स था, ठीक है, मज़ा ही आ गया था। और लास्ट बजट की बात करें, अभी जो हम लोग को फेब में देखने को मिला था, 11% का ही कैपेक्स था, तो परसेंटेज कितना है वो मैटर करता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, शिपिंग वाली कंपनियां फोकस में रहेंगी। ठीक है, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वापस इनमें हम लोग को रैली भी इसी चलते हुए देखने को मिल गए कि मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखिए पूरा जो खेल रहता है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रहता है कि यहाँ पे शिपिंग से रिलेटेड जो हम लोग को डेवलपमेंट फंड देखने को मिल जाते हैं, पीएलएस स्कीम्स की बात करें उसको वापस जिंदा करने की बात करें, वापस इनको यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसी भी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, देन ग्रीन शिपिंग की अगर हम लोग बात करें उसका इनिशिएटिव लिया जा सकता है, तो इसी चीज़ के चलते माजगा डॉक शिप बिल्डर्स देख सकते हो। ठीक है, देन जीआरएससी की बात करें, गार्डन रिच की आप स्टॉक को आज देख सकते हो। देन कोचिन शिपयार्ड तो आज के दिन सर्किट में लगते हुए देखने को मिल गया, तो इनसे रिलेटेड भी मतलब कल के दिन उम्मीद रहेगी कि शिपिंग से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो जाए करके। इनफैक्ट ये स्टॉक अगर देखा गया तो डबल फोकस में रहेंगे, एक शिपिंग के चलते एंड एक डिफेंस के चलते। ठीक है, सो जरूर इन तीन स्टॉक्स को आप जितना हो सके स्टडी कर सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अगेन वही कैपेक्स की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले। ठीक है, तो इंफ्रा से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां रहेगी वो फोकस में रहेंगी, क्या इंफ्रा यहाँ पे बढ़ेगा, तो इंफ्रा तो ये इतना बड़ा सेक्टर है आप सभी लोगों को कि क्या ही बताऊं। ठीक है, तो एक दो स्टॉक के नाम लेना मतलब अभी क्या मतलब ठीक नहीं रहेगा, बट चलो फिर भी अगर आप इंफ्रा से रिलेटेड बड़े किंग्स आपको बताइए भाई कौन है, एलएनटी बाय डिफॉल्ट सामने आ जाता है निफ्टी 50 का। दूसरा निफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट भी उसी में ही आ जाता है, एयरपोर्ट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट जैसी कंपनी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काम करने वाले, फाइनेंस करने वाली जो कंपनियां रहेगी, सीमेंट वाली कंपनियां रहेगी, स्टील वाली कंपनियां रहेगी, ये सब कुछ इंफ्रा में ही तो अपना योगदान देती है। तो ये पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से फोकस में रहेगी। इंफ्रा मतलब वो कैपेक्स से रिलेटेड बातें बोलेंगे तब हम लोगों ने इन चीज़ों को फोकस में रखना है। देन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी लोगों को बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो अगर कल सरकार एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लेकर आ जाती है, या फिर 30% का टैक्स लगा देती है, या फिर इसको स्पेक्युलेटिव इनकम मान लेती है, या फिर इसको क्रिप्टो के हिसाब से ट्रीट करने की बात करती है, लॉटरी के हिसाब से ट्रीट करने की बात करती है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ के चलते शायद से आने वाले समय में एफएनओ से रिलेटेड जो वॉल्यूम है मतलब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है माइट भी कम हो सकता है। एंड अगर वो कम हुए तो किसको सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, तो ऑब्वियसली स्टॉक ब्रोकर मतलब स्टॉक ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस करने वाली जो कंपनियां हैं उनको झटका लगेगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कमाई यही से होती है। आप कितना एफएनओ करते हो उस हिसाब से ही होती है, आप कितना ट्रेडिंग करते हो उस हिसाब से होती है, क्योंकि उनको उससे ब्रोकरेज मिलता है। ठीक है, आप प्रॉफिट करो या लॉस करो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया कि टीम ए जीते या टीम बी जीते, ठीक है, स्टेडियम में जो कमाने वाले है ठीक है वो तो कमा कर यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो इसीलिए अगर देखा गया तो स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो कंपनियां, एंजल वन बात करें, शेयर इंडिया की बात करें, जियो जीत की बात करें, फाइव पैसा की बात करें, लंबी लिस्ट है भाई। ठीक है, तो ये सबके सब फोकस में यहाँ पे रहेंगे। अगर उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो इन स्टॉक्स में हम लोगों को जबरदस्त तेजी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आप लोगों को इफ बट का खेल यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड अगर यहाँ पे 30% के हिसाब से अगर ऐसा अगर कुछ चीज़ अगर हो जाती है तो फिर डेफिनेटली वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी यहाँ पे हो सकता है करके। ठीक है, रिवर्स पोजीशन। देन अगर हम लोग बात करें बीएससी, ये स्टॉक भी हम लोगों को अगर एफएनओ के ऊपर अगर कोई चीज़ अगर हो गई ट्रेडिंग के ऊपर तो ये भी रोते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ये भी काम क्या करता है भाई, ट्रेडिंग फ्लोर तो आप लोगों को प्रोवाइड करके दे देता है कि आप ट्रेडिंग करो। ठीक है, इनका भी तो यही काम है। ठीक है, तो इसको भी झटका यहाँ पे लग सकता है अगर ऐसा हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो उल्टी गाड़ी आप लोगों को ऐसे ऊपर जाते हुए भी शायद से देखने को मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है, मतलब इनके लिए क्या है पता है कि कल ये बोलेंगे कि निर्मला सीतारामन जी फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ शब्द ही ना मतलब यहाँ पे निकाले। ठीक है, एकदम साइलेंट रहे, मतलब कुछ ना होना इनके लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर रहेगी। ठीक है, ये सेलिब्रेट करेंगे, वाह हम तो बच गए करके। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी जो रिसेंटली एक नया बातें बोली जा रही कि भाई एलटीसीजी बढ़ाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। चांसेस मुझे तो पर्सनल नहीं लगता है एसटीटी एलटीसीजी बढ़ाएंगे करके, बट चलो मान के चलो बढ़ा देते हैं। ठीक है, 15 कर देते, 20 कर देते, वी डोंट नो, मान लो एक बार के लिए। तो किसको झटका लगेगा? सीडीएसएल को लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने स्टॉक मार्केट जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री से रिलेटेड क्लासेस वाला, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे डीपी चार्जेस के चलते इन कंपनीज को फायदा होता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा बहुत झटका यहाँ पे लग सकता है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं इफ बट की मैं बात कर रहा हूँ। देन एएमसी वाली कंपनियाँ जो कि म्यूचुअल फंड वाली है, काफ़ी म्यूचुअल फंड वाले डिसअपॉइंट हो सकते हैं भाई, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से म्यूचुअल फंड वालों के लिए भी टैक्सेशन रूल तो सेम ही है। ठीक है, तो इनको झटका यहाँ पे लग सकता है अगर एलटीसीजी अगर बढ़ा दिया तो। मतलब कौन से? एचडीएफसी, एएमसी है, निप्पॉन है, यूटीआई है, आदित्य बिरला, चार ही कंपनी है। देन एएमसी से रिलेटेड सर्विसेज देने वाली कंपनी, काम करने वाली कंपनी कैम्प्स या फिर केफिन टेक की बात करें, इनके लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है। भाई ये कोई जीरो वीरो नहीं होंगे,
बट उस एक दिन के लिए वो नाराजगी दिखाएंगे कि भाई आपने ये क्या कर दिया करके। तो ये अगर ऐसा हुआ तो चांसेस काफ़ी कम लगते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं क्या होता है करके। देन सैलरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगर कल सैलरी वालों को अगर सरकार ने खुशी दे दी कि भाई चलो आपका टैक्स कुछ हद तक कम कर देते करके, तो एफएमसीजी वाली कंपनीज के लिए अच्छी बात होंगी, ठीक है, छोटा मोटा पैसा बचेगा। तो ये जो कंज्यूमर वाली जो कंपनियां होती है, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, तो इनके लिए थोड़ा बहुत अच्छी खबर हो सकती है, सेविंग के चलते क्या कर सकते वो कुछ चीज़ें खरीद ले, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन हाउसिंग की बात कर ले तो NBCC हुडको वापस हम लोग को देखने को आप मिल जाएगा, जो कि इसी से रिलेटेड फाइनेंस करता है। अगर हाउसिंग को प्रमोट अगर सरकार कर देती है, बढ़ावा दे देती है, तो एक बेनिफिट वाली चीज़ रहेगी। एंड वैसे लिस्ट अगर मैं निकाल दूँ दोस्तों, तो ऐसे तो हर एक सेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रहेगा, टूरिज्म से रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशन है, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी है, ढेरों सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं। बट जो मेजर एक्सपेक्टेशन वाली जो कंपनियाँ थी एंड उससे रिलेटेड जो रिलेटेड स्टॉक्स थे, वो मैंने आप लोगों के सामने स्टडी पर्पज के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।